हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राव दिलों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो इस समय हम वृंदावन में हैं और बरसाना में धर्मशाला से बाहर निकल चुके हैं और इधर पीछे की तरफ देखिए मंदिर, अभी नाम पता नहीं पूछेंगे। अभी जा रहे हैं हम राधा रानी मंदिर की तरफ, कीर्ति मंदिर ये है, कीर्ति मंदिर कह रहे हैं। तो ये है बरसाना गेट और मंदिर का गेट बाहर का। ये क्या लिखा, मेरे प्यारो बरसाना गेट। ये देखिए गाइस, तब इसके अंदर एंट्री होनी है, इसके अंदर है मंदिर। तो गाइस बरसाना गेट के अंदर से घुसते ही यहाँ से आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद सीढ़ी आएंगे, बता रहे हैं भाई साहब। तो सीढ़ी आने के बाद उसके बाद मंदिर चालू हो जाएगी। तो अभी तो हम पैदल चल रहे हैं, आधा घंटे यहाँ से चलते रहना है। और अब बीच बीच में यहाँ पर अंधेरा भी है और धर्मशाला से सब फ्रेश होकर आ गए हैं और देखो गलियों में कम लाइट है। तो अभी तो पैदल चल रहे हैं, आगे विनोद भाई और अमित भाई भी चल रहे हैं हमारे साथ साथ। तो मंदिर का गेट अभी थोड़ी देर बाद आएगा। गली और अभी मार्केट यहाँ पर लगभग बंद ही लगभग रही है, ऐसा लग रहा है मंदिर अंदर में किसी गली के अंदर घुस रहे होंगे। तो गाइस अब यहाँ से जीना स्टार्ट हो चुका है और ये सीढ़ी जा रही है राधा रानी मंदिर की तरफ और लोग काफ़ी पैदल जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं पैदल चलते चलते। जय राधे राधे, जय राधे राधे। ये है जीने से ऊपर आते हुए विनोद भाई और अमित नीचे से ऊपर आते हुए राधे राधे के मंदिर में, राधे राधे लोग चलते हुए और बढ़िया ऊपर मंदिर के दर्शन अब थोड़ी देर बाद हो जाएंगे। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ से ले लिए फूल माला ले लिए हैं और जूते भी यहीं पर उतार दिए हैं, मंदिर के दर्शन करने ऊपर जा रहे हैं उसकी तरफ। और तीनों के तीनों ने ले लिए फूल, जय हो राधे राधे। कितनी सीढ़ी ऊपर चढ़नी पड़ती है बहुत ही ज़्यादा, चढ़ते चढ़ते काफ़ी ऊँचाई पर सीढ़ी है। ये देखिए गाइस ऊपर की तरफ देखिए, देखो देखिए भीड़ देखिए गाइस बहुत ज़्यादा। ये मंदिर जय देखिए गाइस, यहाँ का नज़ारा ये है मंदिर का दर्शन और ये बाहर बाहर का जो नज़ारा है पूरा बरसाना गांव का। ये देखिए ये है राधा राधे मंदिर, ये देखिए और ये देखिए ये है मंदिर। अभी कीर्तन भजन चल रहा अंदर, नदी जी का दृश्य देखिए। यहाँ से सुंदर नज़ारा, बहुत प्यारा नज़ारा है और उधर भी मंदिर है आगे की तरफ पीछे की तरफ और ये नीचे का सुंदर नज़ारा बरसाना गांव का। आगे चलो चलो निकलो। तो गाइस अब परिक्रमा हो चुकी है यहाँ पर पूरी, अब जा रहे हैं हम धर्मशाला की तरफ, वापस ही जा रहे हैं। तो गाइस ये है पीछे मंदिर राधा रानी की और दर्शन हो चुके हैं, अच्छी तरीके से दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया आनंद आ गया मंदिर में आके। और राधा रानी के मंदिर पहली बार हम राधा कृष्ण के मंदिर में आए और वृंदावन मथुरा में। इस समय मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बज चुके हैं, टाइम क्या हो रहा है, सुबह के बज के 6:09 हो चुके हैं और राधा रानी के दर्शन अच्छी तरीके से हो चुके हैं हमारे। और एक बार मैं अमित भाई और विनोद भाई को पूछता हूँ। विनोद भाई, अमित भाई कैसे लगा आपको राधा रानी मंदिर के? बहुत बढ़िया, पहली बार हम तीनों बंदों ने पहली बार यहाँ का दर्शन करे और अच्छा लगा, मज़ा आ गया, फुल इंजॉय हो गया है। अच्छा देखिए आप जा रहे हैं हम धर्मशाला की तरफ और थोड़ा हमारा नाश्ता का प्रोग्राम है 7:30 का, वहाँ पर नाश्ता पानी होगा, उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। सूर्य भगवान जी भी दर्शन देते हुए अब, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है और उधर की तरफ से सूर्य भगवान के दर्शन दे रहे हैं और अब नीचे की तरफ उतरते हुए सीढ़ियों से, और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी है खड़ी चढ़ाई यहाँ से देखिए नीचे तक, देखिए कितनी ज़्यादा सीढ़ी है, सब भक्तगण नीचे की तरफ जा रहे हैं और ऊपर से भी नीचे की तरफ आ रहे हैं हर भक्तगण नीचे की तरफ। राधे 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 यहाँ पर जूते जमा कर देते हैं और यहाँ से फूल माला भी लेते हैं ऊपर चढ़ाने के लिए राधा रानी के मंदिर में। तो अब यहाँ पर पहन लेते हैं हम जूते और यहीं पर हम लेते उतार देते हैं, उसे ऊपर भी था उतारने का, मंदिर में भी उतार सकते हो मगर हमने यहीं पर उतार देते और यहाँ से फूल माला भी लेती है हमने। तो पहन लेते हैं हम यहाँ से जूते। ये श्री राधा रानी का जन्म स्थान है और प्राचीन की कीर्ति मंदिर श्री राधा रानी की तरफ। जय हो राधा, जय हो राधा।
और हम लोगों के नाश्ते की तैयारी चल रही है यहाँ पर, और कुछ लोग हमारे लिए नाश्ता की तैयारी चल रही है यहाँ पर। और नाश्ते में क्या बने भाई साहब? पकौड़ी, ये बन रहे पकौड़ी। तो गाइस यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी, और अभी सो के उठे हैं हम, नींद भी बहुत खतरनाक आ गई थी। तो हमारे काली चाय नाश्ता चल रहा है यहाँ पर, तो हमने भी नाश्ता कर लिया, अब चाय पी लेते हैं यहाँ पर से। चटनी की क्वालिटी देखिए भाई, क्या क्या मिला था खास में इसके अंदर? इसके अंदर मिर्च, धनिया और काला नमक। अच्छा, हम धर्मशाला से आ चुके हैं और कीर्ति मंदिर में जा रहे हैं अंदर के। ये जो बाहर है धर्मशाला के एकदम बाहर में है, बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको। ये है कीर्ति मंदिर, अब इसके अंदर जाना है। और देखो देखो उधर से भी गेट है, इधर से भी गेट है। गाइस देखिए अब यहाँ पर भीड़ शुरू हो चुकी है, सुबह का टाइम तो बिल्कुल खाली खाली था यहाँ पर, अब भीड़ शुरू हो। देखिए ये मार्केट है, कितना ट्रैफिक चल रहा है इधर की तरफ। और मुझे ना गोलगप्पे वाले मिल गए एक जगह पे, तो उसके 5 आइटम है, वो गोलगप्पे की जरूर वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें 5 आइटम है। देखिए ये है आम रास्ता अंदर जाने के कीर्ति मंदिर की तरफ, ये अंदर का रास्ता। ये है पीछे कीर्ति मंदिर, और इसके अंदर झांकियाँ भी हैं। मैंने अभी गार्ड साहब को पूछा, बाहर गेट पर जो गार्ड बैठे हैं उनको पूछा मैंने कि इसके अंदर क्या है, तो कह रहे झांकी भी है। तो अब चलते हैं सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है, उधर झांकी भी है, और मंदिर का खूबसूरत दर्शन कराएंगे आपको। इस मंदिर की खूबसूरती दिखाते हैं भारतीय कीर्ति मंदिर की, बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको। ये है कीर्ति मंदिर, जय राधे राधे। ये देखिए बहुत भव्य से, ये देखिए ये गेट से यहाँ से एंट्री होते हैं अंदर की तरफ, यहाँ से आउट साइड जाते हैं बाहर की तरफ। और देखिए हमारे ब्लॉगर साहब भी गोप्रो लेके यहाँ पर घूम रहे हैं इस समय, विनोद भाई को दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब चलते हैं हम जरा कीर्तन अंदर, और यहाँ पर लिखा है रंगीली महल, यहाँ पर जो रंगीली महल है इसके अंदर चलेंगे अभी जाके, इस पर क्या क्या मिलता है, और इसके अंदर भी जाएंगे अभी, इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ये मंदिर में आ चुके हैं यहाँ पर, इधर भजन कीर्ति भजन चल रहा है इधर की तरफ में, पूरा लोग चले। तो पहले आपको मंदिर के बाहर का दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए राधे 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 यहाँ पर मंदिर के बाहर लिखा हुआ, और भव्य साले बढ़िया अच्छी तरीके से राधे रानी की बढ़िया प्रिंटिंग लगी हुई है, और मंदिर का भी भव्य साले में वो दिखाई दिया है यहाँ पर। और भी देखते हैं कोई पुजारी हमें मिल जाते हैं तो पूछते हैं एक बार उनसे, मंदिर का जरा ज्ञान अनुभव लेते हैं। सामने की तरफ मूर्तियाँ, अब चलते हैं हम यहाँ पर गिम्बल से, अब पूरा दिखा रहे हैं आपको मंदिर का भव्य दर्शन। ये देखिए अब यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, और राधा कृष्ण जी की, और झांकियाँ यहाँ पर झांकियाँ लगी हैं, बहुत अच्छी झांकियाँ, जो अक्षरधाम के अंदर भी झांकियाँ दिखाई देती हैं वो यहाँ पर भी लगी। देखिए जय हो राधा कृष्ण जी, जय हो जय हो। ये देखिए पंखा देखो ऑटोमेटिक हिल रहा है, ये राधे कृपालु राधे, कृपालु राधे ये लिखा है यहाँ पर बोर्ड पे। देखिए इधर सुंदर झांकियाँ सामने, देखिए अपना आप बीच में जय श्री राधे राधे ऑटोमेटिक घूम रहा हूँ। पर इतनी कड़ाके की धूप लगी, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा आगे कि कहाँ पर क्या है, इतनी कड़ाके की धूप लगी है, बहुत ज़्यादा धूप लगने लगी। ये देखिए सतगुरु कृपालु प्रसिद्ध अच्छा, ये हमने वहाँ पर भी देखा था। ये ये है मंदिर का द्वार अंदर जाने का, तो अब चलते हैं हम गाइस अंदर की तरफ मंदिर के द्वार। अब यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं होगा शायद, तो मंदिर के अंदर चलते हैं। तो गाइस हमारे साथ हो चुका फोकट, हम थे मंदिर के अंदर और गाड़ी हमारी यहाँ से निकल चुकी है, और अभी ई रिक्शा देख रहे थे, ई रिक्शा वालों के भी नखरे बहुत हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत देखते हैं कोई रिक्शा वाला नंदगांव के लिए मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए गाइस हम अब नंदगांव के लिए जा रहे हैं, और ऑटो पकड़ा हमें बस वाले ने, तो धोखा दे दिया आपने, वो तो चला गया। और ये आपका अपना स्वागत है मंदिर है। देखो गाइस बस वाले मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम, ऑटो से उतर चुके हैं, गली के अंदर घुस चुके हैं, और विनोद भाई भाई भी पीछे से आगे, बस वाले ने धोखा दिया। देखो हमारे इधर भी जा रही है, देखो लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, सीढ़ी चालू हो चुकी है और ऊपर दर्शन करने जा रहे हैं। देखिए सीढ़ी जिससे मैं पहुंच चुके हैं मंदिर में, बंदरों का आतंक भी इधर बहुत तगड़ा है, बंदर ऐसे छीने झपटी कर रहे हैं। ये देखिए गए मंदिर, खुशाना मंदिर के पास आ चुके हैं। देखिए गए पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, और काफ़ी भीड़ लगी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है।
गाइस इस समय हम आ चुके हैं नंद बाबा के मंदिर पे। अरे बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए मंदिर का भव्यशाली मंदिर, नंद बाबा का दरबार पर कितनी भीड़ लगी है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है। ये देखिए ये है मंदिर सामने की तरफ, ये लोगों की भीड़ देखिए अभी भी बहुत भीड़ लगी है वहाँ पर नंद बाबा के दरबार पे। तो गाइस 3:52 हो चुके, अब हम धर्मशाला से अब निकल रहे हैं, यहाँ से फ्रेश हो चुके हैं, काफ़ी देर तक लेटे भी रह चुके हैं हम, यहाँ पर आ चुके थे 12 बजे, 12 बजे से अब निकल रहे हैं 3:52 पर यहाँ से, और वृंदावन की तरफ जा रहे हैं अब, और चलते चले। तो हमारे साथ एकदम तैयार हो चुके, बैग हमारा रेडी हो चुका, अब धवन से सीधे घर की तरफ रवाना होंगे। देखिए ये विनोद भाई के चक्कर में फिर लेट हो गए थे, बहुत लेट कर दिया, कब से बैठा हुआ था, फ्रेश होने अब जा रहा, ये देखो आप परेशान हो गए। जब हमारी बस आ चुके है पार्किंग में, और ये पीछे लग रही है हमारी बस पार्किंग की तरफ, अब यहाँ से थोड़ी सी दूर पे आप वृंदावन है, वृंदावन से उसके बाद गोवर्धन है, वृंदावन जाना अभी यहाँ से, यहाँ से करेंगे ऑटो, ऑटो से चलेंगे अब धीरे धीरे करके, बस से उतर रहे हैं हमारे सवारी, चलते हैं गाइज। अब यहाँ सब जूते हमने उतार लिए, नंगे पैर यहाँ से चलने पड़ेगा, और पैर इतने जल रहे हैं कि नीचे की तरफ ना बहुत गर्मी हो रही है, पैर जल रहे हैं नीचे की तरफ। पैदल लगे हुए हैं प्रेम मंदिर के लिए, और पैदल मार्च यहाँ से क्योंकि इस बार ई रिक्शा जा नहीं रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है यहाँ पर, प्रेम मंदिर के बाद आगे बांके बिहारी और आगे है। गाइस देखिए आगे प्रेम मंदिर पर, और भीड़ देखिए श्रद्धालुओं की बहुत तकड़ी भीड़ है यहाँ, देखिए ये है प्रेम मंदिर।